बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं के अध्याय 21 पहेलियाँ व पैटर्न। बच्चों हम इससे पहले इसके भाग एक आप तक पहुंचा चुके हैं और बहुत सारी बातों पर चर्चा कर चुके हैं। इस पाठ के दूसरे भाग में हम सीखने के प्रतिफल M518 के तहत सीखेंगे त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न की पहचान करना, गणित का व्यवहारिक जीवन में उपयोग को समझना और गणितीय पहेलियों को हल करना। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पहेली से, क्योंकि आपको पहेली बहुत पसंद है ना। देखिए ये पहेली क्या है, इसमें लिखा हुआ है एक पेड़ में चार डालियाँ, एक पेड़ में चार डालियाँ, हर डाली दो फूल, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल रहे थे झूल, चार बाग में तीन पेड़ थे, चार बाग में तीन पेड़ थे, जरा नहीं है भूल, कुल कितने थे खिले बाग में नन्हे नन्हे फूल। तो चलिए भाई इस पहेली को बूझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेड़ में चार डालियां, हर डाली दो फूल, इसके लिए हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं बड़ा सा, और इसमें चार डालियां हम ले लेंगे। सबसे पहले तो डी का मतलब यहाँ पर डाली से है। अब देखिए बच्चों हर डाली में दो फूल हैं, तो हम यहाँ पर प्रत्येक फूल के लिए एफ लिखने जा रहे हैं। तो देखिए एक पेड़ में चार डालियाँ और हर डाली दो दो फूल। अब आप फूलों की संख्या को गिन सकते हैं कि कितने फूल यहाँ पर हैं एक पेड़ में। तो एक पेड़ में चार डालियाँ हर डाली दो फूल, तो कितने फूल होंगे टोटल मिला के, यहाँ पर गिनिए चार और चार आठ फूल। तो एक पेड़ में फूलों की संख्या हो गई यहाँ पर आठ। अब हम पहेली को आगे बढ़ाते हैं, चार बाग में तीन पेड़ थे जरा नहीं है भूल, चार बाग में। तो यहाँ पर चार बाग जो शब्द है इसका अर्थ चार अलग अलग बाग नहीं है, इसका मतलब है चार बाग एक बाग का नाम है। जैसे एक फल होता है ना चार नाम का, वैसे ही बाग का नाम ही चार है। तो बाग एक ही है लेकिन उसका नाम है चार बाग। तो चार बाग में कितने पेड़ हैं, तीन पेड़ हैं। और तीनों पेड़ कैसे हैं, जैसे हम पहले देखे थे वैसी उसी प्रकार के, एक पेड़ में चार डालियाँ हर डाली दो फूल, वैसे ही बाकी अभी को जो तीनों पेड़ हैं उसमें भी ऐसे ही कंडीशन है। तो इसको ध्यान में रख के इस पहेली को हम हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर चूँकि एक पेड़ के चारों डालियों में फूलों की संख्या कितनी है, आठ है, तो तीन पेड़ के सभी डालियों में फूलों की संख्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ऐसे ही तीन पेड़ों में फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन गुना आठ। तो तीन को आठ से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 24। तो आप कह सकते हैं कि कुल फूलों की संख्या है 24। चलिए हम यहाँ पर एक आपके अभ्यास प्रश्न से दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है मैं दो अंकों वाली संख्या हूँ और छः की गुणज हूँ, मैं दो अंकों वाली संख्या हूँ और छः की गुणज हूँ, उलटने पर एक अंक की विषम संख्या बन जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो भाई इसके लिए हमको सबसे पहले छः के सारे गुणज को लिखना पड़ेगा। छः एकम छः, छः दूनी बारह, छः ती अट्ठारह, छः चौं चौबीस, छः पंच तीस, छः छः छत्तीस, छः सत्तर बयालीस, छः अठे अड़तालीस, छः निया चौवन, छः दाम साठ तक हमने लिख लिया है, इसी को हम गुणज कहते हैं। यानी छः के पहाड़ा में जो भी आता है वो सब छः के गुणज हैं। अब आपको कहा गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैं दो अंक वाली संख्या हूँ, तो यहाँ पर छः तो आएगा नहीं क्योंकि एक अंक वाली संख्या है। फिर देखिए बारह को, ये बारह के जो अंकों को हम उलटेंगे यानी कि एक को पीछे लाएंगे और दो को पहले ले जाएंगे, तो कौन सी संख्या बन जाएगी, ये तो 21 बन गई। लेकिन प्रश्न में क्या आ गया, उलटने पर मैं एक अंक की विषम संख्या बन जाती हूँ, तो ये हमारा उत्तर नहीं है 12। फिर 18 में आते हैं, इसको उलटेंगे तो क्या बनेगा, 8 एक बन जाएगा। फिर 24 में आते हैं, 24 को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 42 हो जाएगा। फिर आते हैं 30 में, अब इसको उलट के देखते हैं, शून्य को पहले लिखेंगे 3 को बाद में लिखेंगे, तो ये कौन सी संख्या हो गई, 3, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं शून्य और तीन का मतलब तीन ही होता है। अब देखिए आपके प्रश्न क्या कहा है कि मैं एक अंक की विषम संख्या बन जाती हूँ, अब तीन जो है वो एक अंक की विषम संख्या है, तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं क्या साठ को भी ऐसा कर सकते हैं क्या, तो चलिए हम देख लेते हैं साठ को भी उलट के, साठ को उलटेंगे तो कैसा होगा, छः पहले जीरो पहले आएगा और छः को बाद में लिखेंगे, यानी कि हम इसको छः लिखेंगे। अब बच्चों छः विषम संख्या तो है नहीं, तो कौन सी संख्या है, छः सम संख्या है,
इसलिए हमारा उत्तर होगा यहाँ पर 30, जिसको उलटने पर हमें 3 जो है वो एक अंक की विषम संख्या प्राप्त हुई थी। तो उत्तर क्या आएगा हमारा 30। अब चलिए हम अभ्यास के तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर राजू के घर से नल तक की दूरी 9 कदम है। कितने कदम है? 9 कदम। वह 2 कदम आगे चलने पर 1 कदम पीछे हो जाता है। राजू 2 कदम आगे चलता है पहले, फिर 1 कदम पीछे आ जाता है, यानी कि एक ही कदम चला भी वो ना। बताओ कितने कदम चलकर उसे पार कर लेगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, तो चलिए इसको हम पहले तो क्रमबद्ध 1, 2, 3, 4, 9 तक की संख्या लिख लेते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि राजू किस ढंग से चल रहा है। आप उनके चलने के क्रम को बिल्कुल याद रखिएगा कि कितने बार और कितने कदम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर हमने 9 तक की संख्या यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए अपने घर से चलेगा, 2 कदम चलेगा, तो पहला कदम और दूसरा कदम 2 में आएगा वो, फिर 1 कदम वापस जाएगा, है ना। तो एक बार चल लिया वो 2 कदम और 1 कदम वापस चला गया, फिर दूसरे राउंड में वो 2 कदम चलेगा, 3 में जाएगा और फिर 1 कदम वापस जाएगा, कहाँ? 2 में। फिर तीसरे राउंड में वो 2 कदम चलेगा और 1 कदम वापस जाएगा, फिर चौथे राउंड में 2 कदम चलेगा और 1 कदम वापस जाएगा, फिर पांचवे राउंड में 2 कदम चलेगा, 1 कदम वापस आएगा, फिर छठे राउंड में 2 कदम चलेगा और 1 कदम वापस आएगा, तो कहाँ चला गया वो? 6 में वापस आ गया। फिर सातवें राउंड में चलेगा वो 2 कदम, 8 में चला गया, 1 कदम वापस आएगा, तो 7 में आ गया। अब आठवें राउंड में वो 2 कदम चलेगा तो 9 में पहुंच गया। अब वापस आए या ना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्य तक तो पहुंच गया, अपना कदम रख लिया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 8 बार 2-2 कदम चलने पर राजू नल के पास पहुँच गया। अब बच्चों ये 8 बार जो आप गिने हैं ना, उस पर ध्यान रखिएगा, हर बार वो 2 कदम चला है, भले 1 कदम पीछे आया है, लेकिन हर बार 2-2 कदम चला है। पूछा ये गया है कितने कदम चलकर उसने वहाँ पर पहुँच गया, पार कर लिया। तो हम 8 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 कदम। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं। चाहे तो आप प्रश्न को फिर से पढ़िए, अच्छे से समझिए, और फिर उसको यदि गणित के विद्यार्थी हैं तो इस तरह से नंबरिंग करके सवालों को हल करेंगे तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पैटर्न की ओर। यहाँ पर देखिए आकृतियों का अगला क्रम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आकृतियों को पहले ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद आपको उत्तर देना है। पहला आकृति देखिए आप, सबसे पहले एक डिब्बा दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद अगले क्रम में 2 डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, फिर 3। अब आपको बताना है कि अगले क्रम में कितने डिब्बे आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रत्येक क्रम में एक एक डिब्बा बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित रूप से अगले क्रम में 4 डिब्बे आप बनाएंगे। ठीक वैसे दूसरा को देखिए आप, शुरू में 2 डिब्बे दिए गया है आपको, फिर उसके बाद डिब्बों की संख्या 2 बढ़ गई, 4 डिब्बे हो गए यहाँ पर, फिर 2 बढ़ गई, और फिर आगे जाएंगे आप तो कितने डिब्बे आपको बनाना पड़ेगा, कुल मिलाकर 8 डिब्बे बनाने होंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा जो आकृति दिखाई दे रही त्रिभुजाकार, उसमें पहले 2 भुजाओं को मिलाती हुई तिरछी लाइन खींची गई है, फिर उसके बाद आड़ी लाइन खींची गई है, अब कौन सी लाइन खींची जाएगी, फिर 2 भुजाओं को मिलाते हुए तिरछी लाइन खींची जाएगी। तो उसको आपको यहाँ पर बनाना है और फिर आगे के सवालों को भी ऐसे ही समझते हुए हल करना है। अब देखते हैं हम पैटर्न का ही कुछ नया तरीका, इसमें क्या बोला गया है आपको। देखिए इसमें कहा गया है आपको, पहली आकृति जैसी आकृति सामने बने 3 आकृतियों में खोजिए और सही आकृति पर राइट का आपको निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो पहली आकृति को ध्यान से देखिए आप, ये आकृति कैसी बनी हुई है, फिर बाकी के 3 आकृतियों में आपको ढूंढना है कि वैसी आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे अंत में आकृति बनी हुई है वो बिल्कुल पहली आकृति की तरह दिखाई दे रही है, तो आप अंतिम वाले आकृति में राइट का निशान लगा देंगे। चाहे तो आप इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। ठीक वैसे देखिए यहाँ पर पहली आकृति को देखिए, उसके बाद देखिए ऐसी आकृति कौन सी है। तो यदि हम शुरू से चालू करें तो पहला, दूसरा, तीसरा वाला जो आकृति है बिल्कुल पहले आकृति के जैसे दिखाई दे रही है, तो इस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। वैसे ही उसके नीचे वाले में देखिए, पहले आकृति को ध्यान से देखिए और खोजिए कि ऐसी आकृति बाकी तीनों में कहाँ पर है। तो यदि हम
इन चारों आकृति को एक दो तीन चार नंबर दें तो आखिरी आकृति जो चौथे नंबर की आकृति है वो बिल्कुल पहले आकृति की जैसी दिखाई दे रही है, उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। ऐसे ही बच्चों ये जो बाकी सवाल आपके लिए दिए हुए हैं इसको भी आपको ध्यान से देखना है और वहाँ पर राइट का निशान लगाना है, जो सही उत्तर है आपका उस पर। अब ये आपके लिए गृह कार्य है, देखिए इन चित्रों को ध्यान से देखना है आपको और पहली आकृति की तरह जो आकृति दिखाई दे रही है उस पर राइट का निशान लगाना है। अब चलिए देखते हैं पैटर्न में ही एक अलग प्रकार का पैटर्न जिसमें आकृतियों को ध्यान से देखने के लिए कहा गया है आपको और उनमें से जो आकृति अलग है उसके ऊपर आपको सही का या राइट का निशान लगाना है। तो देखिए पहला वाला को बहुत ध्यान से देखिए, एक वृत्ताकार आकृति है जिसको चार बराबर भागों में बांटा गया है और आमने सामने के दो भागों में एक एक बिंदी ले लिया गया है। ठीक ऐसे ही आकृति दूसरा वाला भी है। तीसरा जो आकृति है उसमें तीन बिंदी है, तो यही आपको उत्तर होगा क्योंकि बोला गया है कि जो अलग है उसको आपको पहचानना है। ठीक नीचे में देखिए, आप ध्यान से देखिए पहले आकृति को और बाकी तीनों में को भी अच्छे से ध्यान से देखिए, जो अलग है इन चारों में उसको आपको छांटना है। तो भाई यहाँ पर देखिए पहला के बाद जो दूसरा आकृति दिखाई दे रही है आपको वो बिल्कुल भिन्न है तीनों से, तो इसको आपको ठीक करना है। ऐसे ही बाकी सवालों को भी ध्यान से देखना है और निर्देश के अनुसार आपको निर्देशों का पालन करते हुए राइट का निशान लगाते जाना है। बच्चों आप अपने मन से भी ऐसी आकृति बना सकते हैं और बहुत सारे अभ्यास करके अपने साथियों के साथ इसको अच्छे से पुख्ता कर सकते हैं अपनी समझ को। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे नए पाठ में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।